एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, लॉकडाउन में हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं खा सकते लेकिन घर पे बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी समोसे की तीखी वाली चटनी की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए मूली, लहसुन, अदरक, मिर्च और धनिया के पत्ते। इन सबको हमें क्या करना है, फाइन पेस्ट बना लेना है। इसे अब हम मिक्सी में पीस लेंगे कुछ इस तरह से। देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बाजार की तरह। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इमली का पानी डालेंगे। तो ये देखो, ये हो गया, ये बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट देगा बाहर जैसा। इसमें अब हम पानी डालेंगे क्योंकि जो भी हम लोग मार्केट में चटनी खाते हैं वो पतली ही होती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला कर लेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लो आप लोग, उसके बाद तेल डालेंगे। मिर्च आप लोग घटा बढ़ा सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से मिक्स करो और ये देखो गाइस, ये देखने में इसका कलर कितना अच्छा आया है और बिल्कुल ये बाजार जैसा चटनी बन के रेडी है। सो ये देखो, हमारा चटनी बिल्कुल रेडी है हमारे समोसे के साथ सर्व होने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा इसका कलर आया है, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। तो फिर चलो देखते हैं। ये देखो हमारा समोसा, समोसे के साथ चटनी लग रहा है ना बिल्कुल बाहर जैसा, लेकिन ये घर पे बना हुआ समोसा और चटनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे भर भर के लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन में घर बैठे समोसे का लुत्फ़ उठा सकें चटनी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय बाय।